नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद कर लाया हूँ जिनका इस्तेमाल प्लांट्स को लगाने के लिए मिट्टी बनाने में किया जाता है। हो सकता है ये सब आपके पास भी हों, बट मेरे पास अभी सीजनल फ्लावर प्लांट और वेजिटेबल प्लांट्स को लगाने में ये सब जो मटेरियल है वह ख़त्म हो गया था। तो आज मैं फिर से ख़रीद कर लाया हूँ, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो दोस्तों, हम कोई भी प्लांट लगाते हैं गमले में तो उस प्लांट के अकॉर्डिंग ही मिट्टी बनाते हैं, जिसके लिए हम कई चीज़ों को एक साथ मिलाकर जो है मिट्टी तैयार करते हैं ताकि हमारा प्लांट जो हेल्दी ग्रोथ करे और हरा भरा रहे। तो दोस्तों, किसी भी पौधे को लगाने के लिए गमले में हमें जो मिट्टी तैयार करनी होती है उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए रहती है खेत की मिट्टी या फिर गार्डन सोइल, जो भी मिट्टी है। आप देख सकते हैं इस मिट्टी को जो मैं अभी खर खोद कर लाया हूँ खेत में से, इसमें जो जड़ें वगैरह भी हैं और मिट्टी जो पूरी तरह से फ्रेश है, गीली है। तो मिट्टी के अलावा हमें चाहिए होता है मिट्टी को वेल्डन बनाने के लिए सैंड, और ये है दोस्तों रिवर सैंड। अगर आपके पास रिवर सैंड नहीं होता है तो आप जो है कंस्ट्रक्शन मकान वगैरह बनाने में जो सैंड यूज किया जाता है मोटा दानेदार दर्रे वाला, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, गार्डन सोइल और सैंड का वर्क तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं जो ख़रीद कर लाया हूँ वो ये है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट दोस्तों मुझे 10 रुपये किलो मिली है। तो वर्मी कंपोस्ट मैं लाया हूँ, ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने जो है आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट का जो वर्क रहता है वो आप जानते ही हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे किसी भी प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए। और दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट के अलावा मैं ख़रीद कर लाया हूँ राइस हस्क, ये है धान का छिलका। ये राइस हस्क दोस्तों मुझे 2 रुपये पर किलो के हिसाब से मिला है। राइस हस्क क्या करता है दोस्तों, मिट्टी को वेल्डन बनाता है, साथ में जो है मिट्टी को कुछ हद तक जो है एस्टिक भी करता है। तो एस्टिक सोयल जो है पौधे के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो राइस हस्क जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है मिट्टी को वेल्डन बनाने के लिए जो है राइस हस्क की जगह इस रिवर सैंड का या फिर कंस्ट्रक्शन वाली सैंड का यूज कर सकते हैं, अगर आपको जो है नहीं मिलती है राइस हस्क तो। और वर्मी कंपोस्ट तो न्यूट्रंस प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। और मैं ख़रीद कर लाया हूँ दोस्तों ये कोकोपीट, ये है नारियल का बुरादा, जो एक दोस्तों कोकोपीट होती है जो हमें भिगोकर जो है कई बार धोकर जो है उसे तैयार करना पड़ता है, लेकिन ये मैं तैयार कोकोपीट लाया हूँ। ये दोस्तों मुझे 50 रुपये किलो के हिसाब से मिली है। तो एक बोरी जो है मैं ये कोकोपीट भी ले आया हूँ, और मेरी जो कोकोपीट थी वो ख़त्म हो गई। कोकोपीट दोस्तों मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, पानी को होल्ड करके रखती है, ताकि जैसे कि किसी प्लांट को ज़्यादा मॉइस्चर पसंद हो तो उसमें जो है हम मिट्टी बनाते समय कोकोपीट को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं चौथी चीज़ जो ख़रीद कर लाया हूँ वो ये है नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर ये दोस्तों मुझे 200 रुपये किलो के हिसाब से मिला है। नीम खली का जो है हम यूज़ मिट्टी में करते हैं। मिट्टी में इसका यूज करने से जो है अगर हम मिट्टी में 1-1.5 चम्मच नीम खली पाउडर को डाल देते हैं तो दोस्तों होता क्या है, मिट्टी में जो फंगस वगैरह नहीं पनपता, फंगस वगैरह नहीं लगता है, ऐसे इंसेक्ट्स पैदा नहीं होते हैं जो प्लांट की जड़ों को ख़राब करते हो। तो अगर आपके पास नीम खली पाउडर है या फिर आपको मिल सकता है इजीली तो आप ज़रूर लीजिए, नहीं तो आप जो है नीम खली पाउडर की जगह पर जो है आप इस कोयले का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोयले के यूज़ से भी जो है मिट्टी में अगर हम कोयले को डाल देते हैं तो मिट्टी में जो है फंगस वगैरह नहीं लगता है कोयले की हेल्प से भी। तो ये जली हुई लकड़ी का कोयला है, इस तरह से आप जो है छोटे छोटे कोयले जो हैं मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो नीम खली रहती है उसको जो है प्लांट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल माना गया है, क्योंकि दोस्तों नीम खली में जो है न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और जो है फंगस वगैरह को पनपने नहीं देती है नीम खली। तो ये थी चीज़ें दोस्तों जो मैं आज खरीद कर लाया हूँ पॉटिंग सॉइल मिक्स बनाने के लिए प्लांट्स के लिए। अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो उसका जो ऑप्शनल के तौर पर हम कुछ और चीज़ यूज कर सकते हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।